वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ रिमाल तूफान देर रात पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा गया। मौसम विभाग के मुताबिक रिमाल तूफान पश्चिम बंगाल के तटों से उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसकी स्पीड कम होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रिमाल तूफान 13 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और तूफान की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने भी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को हालातों पर नजर बनाने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए तूफानी हवाओं की वजह से कई जो पेड़ है वो भी उखड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल के तटों से जो ये रिमाल तूफान है वो टकराया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, पहली तस्वीर देखिए कैसे जो पेड़ है वो सड़कों पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तस्वीर जहाँ पर बारिश हो रही है वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो पश्चिम बंगाल के चक्रवात तूफान रिमाल के टकराने की घटना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चक्रवात रिमाल लैंडफॉल को लेकर के संबंधित अधिकारियों से बातचीत की है। जिन इलाकों में चक्रवात का असर हो सकता है वहां एनडीआरएफ की तैनाती की गई है, साथ ही तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा, मोदी सरकार आपदाओं में न्यूनतम जनहानि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो ट्वीट किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के तटों से जो रिमाल तूफान है वो देखिए टकराया है और उसके बाद से अब कड़े निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई है। और आपको हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उस वक्त की हैं जब रिमाल तूफान का लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के तटों पर शुरू हुआ था, जिसका असर पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में दिखाई दिया। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान करीब 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली है और तूफानी बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई जगह पेड़ जो है वो उखड़ गया है। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कोलकाता की ये तस्वीर देखिए, तूफान की दस्तक की तस्वीर है, पूर्वी मेदिनीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, अलीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ पौधे भी गिर गए हैं। डीआरएफ एसडीआरएफ की टीम आपको नजर आ रही है, सड़कों पर वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हुई क्योंकि पेड़ गिरे हुए थे। सिचुएशन तो देखिए कुछ कुछ जगह पे जो है हमें मिल रहा है कि कुछ कुछ जगह पे ट्री अपरूटिंग हुआ है, तो जहाँ जहाँ पे ट्री अपरूटिंग हुआ है वहाँ पे हम लोगों का कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी का टीम, कोलकाता पुलिस का, डीएसटी मैनेजमेंट का टीम वो आके काम कर रहा है। जल्द से जल्द ये जो ट्रीज जो अपरूटेड हुआ है उनको काट के उनको साइड किया जाएगा ताकि रास्ता खोल सके। अभी ये साइक्लोन को लेकर स्पेशल यूनिफाइड कंट्रोल रूम पूरा रात मॉनिटर कर रहा है, म्यूनिसिपैलिटी का कंट्रोल रूम दैट इज ऑल्सो बींग ओपन फॉर द एंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ द साइक्लोन, और टोटल सिचुएशन का मिनट टू मिनट जो सीनियर ऑफिसर है उनका सुपरविजन में पूरा काम चल रहा है। छोर पर समंदर की लहरें मचल रही हैं, हवा का प्रचंड प्रवाह लगातार तेज होता नजर आ रहा है और कोलकाता में जबरदस्त बारिश हो रही है और इन सब के बीच बंगाल की खाड़ी में रिमाल तूफान का खतरा हर गुजरते पल के साथ बढ़ रहा है और तूफान का यह खतरा कितना बड़ा है आपको उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए लहरों से होगा संग्राम, आ रहा है तूफान, 120 वाली रफ्तार होगा प्रचंड प्रहार। समस्त जनसाधारण एवं टकराने वाला है तूफान, मंजर होगा खौफनाक। ये तूफान के आने से पहले की आहट है, तटों से तूफान के टकराने से पहले की हलचल है। तूफान अभी तटों से दूर है लेकिन समंदर की लहरें अभी से मचल रही हैं, तो फिर अंदाजा लगाइए उस मंजर का जब बंगाल की खाड़ी से होता हुआ तूफान साक्षात बंगाल के समुद्री तटों से टकराएगा। रिमाल तूफान धीरे धीरे लैंडफॉल की तरफ बढ़ रहा है, 26 से 27 मई की दरमियानी रात को इसके टकराने की संभावना है। ईस्टर्न नेवल कमांड लगातार तूफान के पाथ को मॉनिटर कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात सीवियर हो सकता है और इसका लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बंगाल के खोपू पारा के बीच होने की संभावना है।
रात में मध्य रात में बिटवीन बांग्लादेश कोस्ट और जो वेस्ट बंगाल कोस्ट में को क्रॉस करेगा बिटवीन सागर आइलैंड एंड खेपूपाड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल में तूफान का सबसे ज्यादा असर कोलकाता, हावड़ा, नादिया, पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना पर हो सकता है। तूफान को लेकर एहतियात के तौर पर कौन कौन से कदम उठाए गए हैं वो भी समझ लीजिए। ये कोलकाता एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। यहाँ फिलहाल सन्नाटा पसरा है क्योंकि एयरपोर्ट पर फिलहाल उड़ानें टाल दी गई हैं। कोलकाता में तटीय इलाकों से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी तूफान की आहट का असर दिख रहा है। कई ट्रेनों के परिचालन को फिलहाल रोक दिया गया है। बंगाल में तूफान आने के बाद राहत और बचाव के लिए नौसेना के सी किंग, चेतक हेलीकॉप्टरों और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को रैपिड तैनाती के लिए स्टैंड बाय पर रखा गया है। स्पेशल डाइविंग टीम को कोलकाता में रखा गया है। दो फ्लड रिलीफ टीम कोलकाता में तैनात की गई हैं। इसके अलावा डाइविंग टीम को विशाखापत्तनम में स्टैंड बाय पर रखा गया है। अभी तक जो है स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे हमने 14 एनडीआरएफ की टीम जो है वो साउथ बंगाल में डिप्लॉय की हुई है। उसमें दो टीम पूर्व मेदिनीपुर में, दो टीम साउथ पश्चिम मेदिनीपुर में, एक हावड़ा, एक हुगली। ये पूर्वी मेदिनीपुर की तस्वीरें हैं जहां वाटर रेस्क्यू टीम के सदस्य लोगों को समंदर में उठ रही ऊंची ऊंची लहरों को लेकर अलर्ट कर रहे हैं। हम लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, खराब है, धीरे धीरे कल से आज ज्यादा है, कल से आज ज्यादा है, खराब है। समंदर के इन तटों पर तूफान के आने से पहले कैसे लोग उसका शोर महसूस कर रहे हैं वो यहाँ के लोगों से सुनिए। हम मौसम तो जैसे फोरकास्ट था तो उसी हिसाब से तो मतलब पूरा तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे खराब हो रहा है, लेकिन सारे सतर्क तो ज़्यादातर लोग हो गए हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि लोग ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो आ रहा है वो भी मतलब सेफली एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। हवा की रफ्तार 90 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। 200 मिलीमीटर बारिश का अनुमान है और समंदर में इस दौरान तूफानी लहरों की ऊंचाई 1.5 मीटर तक हो सकती है। तूफान को टाला तो नहीं जा सकता, हाँ इससे बचाव और उसके असर को कम करने के लिए जो इंतजाम किए जा सकते हैं वो सब मुकम्मल कर लिए गए हैं और अब इंतजार है 26 और 27 मई की दरमियानी रात का, जब तूफान के बंगाल के तटों से टकराने की आशंका है। तूफान टकराया है, आपको बता दें कि 135 किलोमीटर की रफ्तार से रिमाल तूफान टकराया है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। तूफानी हवाओं की वजह से कई जगह जो पेड़ है वो भी उखड़े हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई घंटे तक रिमाल तूफान का लैंडफॉल चला है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि एक ओर जहां उत्तर भारत में भीषण गर्मी से लोग जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ रिमाल तूफान देर रात पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा गया। मौसम विभाग के मुताबिक रिमाल तूफान पश्चिम बंगाल के तटों से उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसकी स्पीड कम होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रिमाल तूफान 13 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और तूफान की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने भी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को हालातों पर नजर बनाने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए तूफानी हवाओं की वजह से कई जो पेड़ है वो भी उखड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल के तटों से जो ये रिमाल तूफान है वो टकराया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए कैसे जो पेड़ है वो सड़कों पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहाँ पर बारिश हो रही है, वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो पश्चिम बंगाल के चक्रवात तूफान रिमाल के टकराने की घटना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चक्रवात रिमाल लैंडफॉल को लेकर के संबंधित अधिकारियों से बातचीत की है। जिन इलाकों में चक्रवात का असर हो सकता है वहां एनडीआरएफ की तैनाती की गई है, साथ ही तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है।
साथ ही उन्होंने ये भी लिखा, मोदी सरकार आपदाओं में न्यूनतम जनहानि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो ट्वीट किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के तटों से जो रिमाल तूफान है वो देखिए टकराया है, और उसके बाद से अब कड़े निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई है। और आपको हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उस वक्त की हैं जब रिमाल तूफान का लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के तटों पर शुरू हुआ था, जिसका असर पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में दिखाई दिया। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान करीब 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली है और तूफानी बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई जगह पेड़ जो है वो उखड़ गए। तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। कोलकाता की ये तस्वीर देखिए, तूफान की दस्तक की तस्वीर है। पूर्वी मेदिनीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, अलीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ पौधे भी गिर गए। डीआरएफ एसडीआरएफ की टीम आपको नजर आ रही है। सड़कों पर वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हुई क्योंकि पेड़ गिरे हुए थे। सिचुएशन तो देखिए, कुछ कुछ जगह पे जो है हमें मिल रहा है कि कुछ कुछ जगह पे ट्री अपरूटिंग हुआ है, तो जहाँ जहाँ पे ट्री अपरूटिंग हुआ है वहाँ पे हम लोगों का कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी का टीम, कोलकाता पुलिस का डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम वो आके काम कर रहा है। जल्द से जल्दी ये जो ट्रीज जो अपरूटेड हुआ है उनको काट के उनको साइड किया जाएगा ताकि रास्ता खोल सके। अभी ये साइक्लोन को लेकर स्पेशल यूनिफाइड कंट्रोल रूम पूरा रात मॉनिटर कर रहा है। म्यूनिसिपैलिटी का कंट्रोल रूम दैट इज ऑल्सो बींग ओपन फॉर द एंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ द साइक्लोन। और टोटल सिचुएशन का मिनट टू मिनट जो सीनियर ऑफिसर है उनका सुपरविजन में पूरा काम चल रहा है। छोर पर समंदर की लहरें मचल रही हैं, हवा का प्रचंड प्रवाह लगातार तेज होता नजर आ रहा है और कोलकाता में जबरदस्त बारिश हो रही है। और इन सब के बीच बंगाल की खाड़ी में रिमाल तूफान का खतरा हर गुजरते पल के साथ बढ़ रहा है। और तूफान का यह खतरा कितना बड़ा है आपको उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, लहरों से होगा संग्राम, आ रहा है तूफान, 120 वाली रफ्तार, होगा प्रचंड प्रहार। समस्त जनसाधारण एवं टकराने वाला है तूफान, मंजर होगा खौफनाक। ये तूफान के आने से पहले की आहट है, तटों से तूफान के टकराने से पहले की हलचल है। तूफान अभी तटों से दूर है लेकिन समंदर की लहरें अभी से मचल रही हैं, तो फिर अंदाजा लगाइए उस मंजर का जब बंगाल की खाड़ी से होता हुआ तूफान साक्षात बंगाल के समुद्री तटों से टकराएगा। रिमाल तूफान धीरे धीरे लैंडफॉल की तरफ बढ़ रहा है। 26 से 27 मई की दरमियानी रात को इसके टकराने की संभावना है। ईस्टर्न नेवल कमांड लगातार तूफान के पाथ को मॉनिटर कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात सीवियर हो सकता है और इसका लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बंगाल के खोपूपारा के बीच होने की संभावना है। रात में मध्य रात में बिटवीन बांग्लादेश कोस्ट और जो वेस्ट बंगाल कोस्ट में को क्रॉस करेगा बिटवीन सागर आइलैंड एंड खेपूपारा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल में तूफान का सबसे ज्यादा असर कोलकाता, हावड़ा, नादिया, पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना पर हो सकता है। तूफान को लेकर एहतियात के तौर पर कौन कौन से कदम उठाए गए हैं वो भी समझ लीजिए। ये कोलकाता एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। यहाँ फिलहाल सन्नाटा पसरा है क्योंकि एयरपोर्ट पर फिलहाल उड़ानें टाल दी गई हैं। कोलकाता में तटीय इलाकों से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी तूफान की आहट का असर दिख रहा है। कई ट्रेनों के परिचालन को फिलहाल रोक दिया गया है। बंगाल में तूफान आने के बाद राहत और बचाव के लिए नौसेना के सी किंग, चेतक हेलीकॉप्टरों और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को रैपिड तैनाती के लिए स्टैंड बाय पर रखा गया है। स्पेशल डाइविंग टीम को कोलकाता में रखा गया है। दो फ्लड रिलीफ टीम कोलकाता में तैनात की गई हैं। इसके अलावा डाइविंग टीम को विशाखापत्तनम में स्टैंड बाय पर रखा गया है। अभी तक जो है स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे हमने 14 एनडीआरएफ की टीम्स जो है वो साउथ बंगाल में डिप्लॉय की हुई है। उसमें
दो टीम पूर्व मेदिनीपुर में, दो टीम साउथ पश्चिम मेदिनीपुर में, एक हावड़ा एक हुगली। ये पूर्वी मेदिनीपुर की तस्वीरें हैं जहां वाटर रेस्क्यू टीम के सदस्य लोगों को समंदर में उठ रही ऊंची ऊंची लहरों को लेकर अलर्ट कर रहे हैं। हम लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, खराब है, धीरे धीरे कल से और खराब हो रहा है। कल से आज ज्यादा है, कल से आज ज्यादा है, खराब है। समंदर के इन तटों पर तूफान के आने से पहले कैसे लोग उसका शोर महसूस कर रहे हैं वो यहाँ के लोगों से सुनिए। हम मौसम तो जैसे फोरकास्ट था तो उसी हिसाब से तो मतलब पूरा तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे खराब हो रहा है, लेकिन सारे सतर्क तो ज़्यादातर लोग हो गए हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि लोग ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो आ रहा है वो भी मतलब सेफली एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। हवा की रफ्तार 90 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, 200 मिलीमीटर बारिश का अनुमान है और समंदर में इस दौरान तूफानी लहरों की ऊंचाई 1.5 मीटर तक हो सकती है। तूफान को टाला तो नहीं जा सकता, हाँ इससे बचाव और उसके असर को कम करने के लिए जो इंतजाम किए जा सकते हैं वो सब मुकम्मल कर लिए गए हैं और अब इंतजार है 26 और 27 मई की दरमियानी रात का, जब तूफान के बंगाल के तटों से टकराने की आशंका है। तूफान टकराया है, आपको बता दें कि 135 किलोमीटर की रफ्तार से रिमाल तूफान टकराया है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, तूफानी हवाओं की वजह से कई जगह जो पेड़ है वो भी उखड़े हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई घंटे तक रिमाल तूफान का लैंडफॉल चला है, तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि एक ओर जहां उत्तर भारत में भीषण गर्मी से लोग जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ रिमाल तूफान देर रात पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा गया। मौसम विभाग के मुताबिक रिमाल तूफान पश्चिम बंगाल के तटों से उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसकी स्पीड कम होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रिमाल तूफान 13 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और तूफान की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने भी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को हालातों पर नजर बनाने के भी निर्देश दिए हैं। तो यह बड़ी जानकारी, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए तूफानी हवाओं की वजह से कई जो पेड़ है वो भी उखड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल के तटों से जो ये रिमाल तूफान है वो टकराया है, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए कैसे जो पेड़ है वो सड़कों पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तस्वीर जहाँ पर बारिश हो रही है वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो पश्चिम बंगाल के चक्रवात तूफान रिमाल के टकराने की घटना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चक्रवात रिमाल लैंडफॉल को लेकर के संबंधित अधिकारियों से बातचीत की है, जिन इलाकों में चक्रवात का असर हो सकता है वहां एनडीआरएफ की तैनाती की गई है, साथ ही तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा, मोदी सरकार आपदाओं में न्यूनतम जनहानि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो ट्वीट किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के तटों से जो रिमाल तूफान है वो देखिए टकराया है और उसके बाद से अब कड़े निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई है। और आपको हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उस वक्त की हैं जब रिमाल तूफान का लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के तटों पर शुरू हुआ था, जिसका असर पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में दिखाई दिया। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान करीब 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली है और तूफानी बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई जगह पेड़ जो है वो उखड़ गए। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कोलकाता की ये तस्वीर देखिए, तूफान की दस्तक की तस्वीर है, पूर्वी मेदिनीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, अलीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ पौधे भी गिर गए हैं। डीआरएफ एसडीआरएफ की टीम आपको नजर आ रही है, सड़कों पर वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हुई क्योंकि पेड़ गिरे हुए थे। सिचुएशन तो देखिए कुछ कुछ जगह पे जो है हमें मिल रहा है कि कुछ कुछ जगह पे ट्री अपरूटिंग हुआ है, तो जहाँ जहाँ पे ट्री अपरूटिंग हुआ है वहाँ पे हम लोगों का कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी का टीम, कोलकाता पुलिस का डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम वो आके काम कर रहा है। जल्द से जल्दी ये जो ट्रीज जो अपरूटेड हुआ है उनको काट के उनको साइड किया जाएगा ताकि रास्ता खोल सके। अभी ये साइक्लोन को लेके स्पेशल यूनिफाइड कंट्रोल रूम
पूरा रात मॉनिटर कर रहा है. म्यूनिसिपैलिटी का कंट्रोल रूम दैट इज ऑल्सो बींग ओपन फॉर द एंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ द साइक्लोन. और टोटल सिचुएशन का मिनट टू मिनट जो सीनियर ऑफिसर है उनका सुपरविजन में पूरा काम चल रहा है. छोर पर समंदर की लहरें मचल रही हैं. हवा का प्रचंड प्रवाह लगातार तेज होता नजर आ रहा है और कोलकाता में जबरदस्त बारिश हो रही है. और इन सब के बीच बंगाल की खाड़ी में रिमाल तूफान का खतरा हर गुजरते पल के साथ बढ़ रहा है. और तूफान का यह खतरा कितना बड़ा है आपको उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं. देखिए लहरों से होगा संग्राम. आ रहा है तूफान 120 वाली रफ्तार होगा प्रचंड प्रहार. समस्त जनसाधारण एवं पर्यटक टकराने वाला है तूफान. मंजर होगा खौफनाक. ये तूफान के आने से पहले की आहट है. तटों से तूफान के टकराने से पहले की हलचल है. तूफान अभी तटों से दूर है लेकिन समंदर की लहरें अभी से मचल रही हैं. तो फिर अंदाजा लगाइए उस मंजर का जब बंगाल की खाड़ी से होता हुआ तूफान साक्षात बंगाल के समुद्री तटों से टकराएगा. रिमाल तूफान धीरे धीरे लैंडफॉल की तरफ बढ़ रहा है. 26 से 27 मई की दरमियानी रात को इसके टकराने की संभावना है. ईस्टर्न नेवल कमांड लगातार तूफान के पाथ को मॉनिटर कर रही है. मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात सीवियर हो सकता है और इसका लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बंगाल के खोपूपारा के बीच होने की संभावना है. रात में बिटवीन बांग्लादेश कोस्ट और जो वेस्ट बंगाल कोस्ट में क्रॉस करेगा बिटवीन सागर आइलैंड एंड खेपूपाड़ा. मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल में तूफान का सबसे ज्यादा असर कोलकाता हावड़ा नादिया पूर्व मेदिनीपुर दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना पर हो सकता है. तूफान को लेकर एहतियात के तौर पर कौन कौन से कदम उठाए गए हैं वो भी समझ लीजिए. ये कोलकाता एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं. यहाँ फिलहाल सन्नाटा पसरा है क्योंकि एयरपोर्ट पर फिलहाल उड़ानें टाल दी गई हैं. कोलकाता में तटीय इलाकों से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी तूफान की आहट का असर दिख रहा है. कई ट्रेनों के परिचालन को फिलहाल रोक दिया गया है. बंगाल में तूफान आने के बाद राहत और बचाव के लिए नौसेना के सी किंग चेतक हेलीकॉप्टरों और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को रैपिड तैनाती के लिए स्टैंड बाय पर रखा गया है. स्पेशल डाइविंग टीम को कोलकाता में रखा गया है. दो फ्लड रिलीफ टीम कोलकाता में तैनात की गई हैं. इसके अलावा डाइविंग टीम को विशाखापत्तनम में स्टैंड बाय पर रखा गया है. अभी तक जो है स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे हमने 14 एनडीआरएफ की टीम्स जो है वो साउथ बंगाल में डिप्लॉय की हुई है. उसमें दो टीम पूर्व मेदिनीपुर में, दो टीम साउथ पश्चिम मेदिनीपुर में, एक हावड़ा एक हुगली. ये पूर्वी मेदिनीपुर की तस्वीरें हैं जहां वाटर रेस्क्यू टीम के सदस्य लोगों को समंदर में उठ रही ऊंची ऊंची लहरों को लेकर अलर्ट कर रहे हैं. हम लोगों को अलर्ट कर रहे हैं. अभी मौसम खराब है. धीरे-धीरे कल से और खराब हो रहा है. हाँ धीरे धीरे कल से अभी आज ज्यादा है. कल के सब कल से आज ज्यादा है खराब है. समंदर के इन तटों पर तूफान के आने से पहले कैसे लोग उसका शोर महसूस कर रहे हैं वो यहाँ के लोगों से सुनिए. हम मौसम तो जैसे फोरकास्ट था तो उसी हिसाब से तो मतलब पूरा तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे खराब हो रहा है. लेकिन सारे सतर्क तो ज़्यादातर लोग हो गए हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि लोग ज़्यादा नहीं है यहाँ पे. लेकिन फिर भी जो आ रहा है वो भी मतलब सेफली इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे ये बढ़ रहा है. हवा की रफ्तार 90 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है. 200 मिलीमीटर बारिश का अनुमान है और समंदर में इस दौरान तूफानी लहरों की ऊंचाई 1.5 मीटर तक हो सकती है. तूफान को टाला तो नहीं जा सकता. हाँ, इससे बचाव और उसके असर को कम करने के लिए जो इंतजाम किए जा सकते हैं वो सब मुकम्मल कर लिए गए हैं. और अब इंतजार है 26 और 27 मई की दरमियानी रात का जब तूफान के बंगाल के तटों से टकराने की आशंका है.
तूफान टकराया है। आपको बता दें कि 135 किलोमीटर की रफ्तार से रिमाल तूफान टकराया है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। तूफानी हवाओं की वजह से कई जगह जो पेड़ है वो भी उखड़े हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई घंटे तक रिमाल तूफान का लैंडफॉल चला है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि एक ओर जहां उत्तर भारत में भीषण गर्मी से लोग जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ रिमाल तूफान देर रात पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा गया। मौसम विभाग के मुताबिक रिमाल तूफान पश्चिम बंगाल के तटों से उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसकी स्पीड कम होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रिमाल तूफान 13 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और तूफान की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने भी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को हालातों पर नजर बनाने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए तूफानी हवाओं की वजह से कई जो पेड़ है वो भी उखड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल के तटों से जो ये रिमाल तूफान है वो टकराया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए कैसे जो पेड़ है वो सड़कों पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहाँ पर बारिश हो रही है, वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो पश्चिम बंगाल के चक्रवात तूफान रिमाल के टकराने की घटना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चक्रवात रिमाल लैंडफॉल को लेकर के संबंधित अधिकारियों से बातचीत की है। जिन इलाकों में चक्रवात का असर हो सकता है वहां एनडीआरएफ की तैनाती की गई है, साथ ही तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा, मोदी सरकार आपदाओं में न्यूनतम जनहानि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो ट्वीट किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के तटों से जो रिमाल तूफान है वो देखिए टकराया है और उसके बाद से अब कड़े निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई है। और आपको हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उस वक्त की हैं जब रिमाल तूफान का लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के तटों पर शुरू हुआ था, जिसका असर पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में दिखाई दिया। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान करीब 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली है और तूफानी बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई जगह पेड़ जो है वो उखड़ गए। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोलकाता की ये तस्वीर देखिए, तूफान की दस्तक की तस्वीर है। पूर्वी मेदिनीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, अलीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ पौधे भी गिर गए। डीआरएफ एसडीआरएफ की टीम आपको नजर आ रही है। सड़कों पर वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हुई क्योंकि पेड़ गिरे हुए थे। सिचुएशन तो देखिए कुछ कुछ जगह पे जो है हमें मिल रहा है कि कुछ कुछ जगह पे ट्री अपरूटिंग हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे ट्री अपरूटिंग हुआ है वहाँ पे हम लोगों का कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी का टीम, कोलकाता पुलिस का, डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम वो आके काम कर रहा है। जल्द से जल्द ये जो ट्रीज जो अपरूटेड हुआ है उनको काट के उनको साइड किया जाएगा ताकि रास्ता खोल सके। अभी ये साइक्लोन को लेकर स्पेशल यूनिफाइड कंट्रोल रूम पूरा रात मॉनिटर कर रहा है। म्यूनिसिपैलिटी का कंट्रोल रूम दैट इज ऑल्सो बींग ओपन फॉर द एंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ द साइक्लोन। और टोटल सिचुएशन का मिनट टू मिनट जो सीनियर ऑफिसर है उनका सुपरविजन में पूरा काम चल रहा है। छोर पर समंदर की लहरें मचल रही हैं, हवा का प्रचंड प्रवाह लगातार तेज होता नजर आ रहा है और कोलकाता में जबरदस्त बारिश हो रही है और इन सब के बीच बंगाल की खाड़ी में रिमाल तूफान का खतरा हर गुजरते पल के साथ बढ़ रहा है। और तूफान का यह खतरा कितना बड़ा है आपको उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए लहरों से होगा संग्राम, आ रहा है तूफान, 120 वाली रफ्तार होगा प्रचंड प्रहार। समस्त जनसाधारण एवं टकराने वाला है तूफान, मंजर होगा खौफनाक। ये तूफान के आने से पहले की आहट है, तटों से तूफान के टकराने से पहले की हलचल है। तूफान अभी तटों से दूर है लेकिन समंदर की लहरें अभी से मचल रही हैं। तो फिर अंदाजा लगाइए उस मंजर का जब बंगाल की खाड़ी से होता हुआ तूफान साक्षात बंगाल के समुद्री तटों से टकराएगा।
रिमाल तूफान धीरे धीरे लैंडफॉल की तरफ बढ़ रहा है। 26 से 27 मई की दरमियानी रात को इसके टकराने की संभावना है। ईस्टर्न नेवल कमांड लगातार तूफान के पाथ को मॉनिटर कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात सीवियर हो सकता है और इसका लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बंगाल के खोपूपारा के बीच होने की संभावना है। रात में मध्य रात में बिटवीन बांग्लादेश कोस्ट और जो वेस्ट बंगाल कोस्ट में को क्रॉस करेगा बिटवीन सागर आइलैंड एंड खेपूपारा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल में तूफान का सबसे ज्यादा असर कोलकाता, हावड़ा, नादिया, पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना पर हो सकता है। तूफान को लेकर एहतियात के तौर पर कौन कौन से कदम उठाए गए हैं वो भी समझ लीजिए। ये कोलकाता एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। यहाँ फिलहाल सन्नाटा पसरा है क्योंकि एयरपोर्ट पर फिलहाल उड़ानें टाल दी गई हैं। कोलकाता में तटीय इलाकों से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी तूफान की आहट का असर दिख रहा है। कई ट्रेनों के परिचालन को फिलहाल रोक दिया गया है। बंगाल में तूफान आने के बाद राहत और बचाव के लिए नौसेना के सी किंग, चेतक हेलीकॉप्टरों और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को रैपिड तैनाती के लिए स्टैंड बाय पर रखा गया है। स्पेशल डाइविंग टीम को कोलकाता में रखा गया है। दो फ्लड रिलीफ टीम कोलकाता में तैनात की गई है। इसके अलावा डाइविंग टीम को विशाखापत्तनम में स्टैंड बाय पर रखा गया है। अभी तक जो है स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे हमने 14 एनडीआरएफ की टीम जो है वो साउथ बंगाल में डिप्लॉय की हुई है। उसमें दो टीम पूर्व मेदिनीपुर में, दो टीम साउथ पश्चिम मेदिनीपुर में, एक हावड़ा, एक हुगली। ये पूर्वी मेदिनीपुर की तस्वीरें हैं जहां वाटर रेस्क्यू टीम के सदस्य लोगों को समंदर में उठ रही ऊंची ऊंची लहरों को लेकर अलर्ट कर रहे हैं। हम लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, अभी मौसम खराब है, धीरे-धीरे कल से और खराब हो रहा है। हाँ, धीरे-धीरे कल से अभी आज ज्यादा है, कल से आज ज्यादा है, खराब है। समंदर के इन तटों पर तूफान के आने से पहले कैसे लोग उसका शोर महसूस कर रहे हैं वो यहाँ के लोगों से सुनिए। हम मौसम तो जैसे फोरकास्ट था तो उसी हिसाब से तो मतलब पूरा तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे खराब हो रहा है, लेकिन सारे सतर्क तो ज़्यादातर लोग हो गए हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि लोग ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो आ रहा है वो भी मतलब सेफली एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। हवा की रफ्तार 90 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। 200 मिलीमीटर बारिश का अनुमान है और समंदर में इस दौरान तूफानी लहरों की ऊंचाई 1.5 मीटर तक हो सकती है। तूफान को टाला तो नहीं जा सकता, हाँ इससे बचाव और उसके असर को कम करने के लिए जो इंतजाम किए जा सकते हैं वो सब मुकम्मल कर लिए गए हैं और अब इंतजार है 26 और 27 मई की दरमियानी रात का, जब तूफान के बंगाल के तटों से टकराने की आशंका है। तूफान टकराया है, आपको बता दें कि 135 किलोमीटर की रफ्तार से रिमाल तूफान टकराया है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। तूफानी हवाओं की वजह से कई जगह जो पेड़ है वो भी उखड़े हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई घंटे तक रिमाल तूफान का लैंडफॉल चला है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि एक ओर जहां उत्तर भारत में भीषण गर्मी से लोग जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ रिमाल तूफान देर रात पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा गया। मौसम विभाग के मुताबिक रिमाल तूफान पश्चिम बंगाल के तटों से उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसकी स्पीड कम होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रिमाल तूफान 13 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और तूफान की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने भी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को हालातों पर नजर बनाने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए तूफानी हवाओं की वजह से कई जो पेड़ है वो भी उखड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल के तटों से जो ये रिमाल तूफान है वो टकराया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए कैसे जो पेड़ है वो सड़कों पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। चक्रवाती तूफान रेमल का असर भागलपुर में देखने को मिल रहा है। जिले के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है।
तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। बदले मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने भी अगले दो दिन तक जिले में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार से। तूफान रेमल का असर भागलपुर में भी देखने को मिल रहा है। जिले के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही है, तो वहीं सुबह से ही तेज ठंडी हवा चल रही है। तेज हवा चलने के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं चिलचिलाती धूप से भी लोगों ने राहत की सांस ली है। जिले में भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिससे कि लोगों की परेशानी बढ़ गई थी, लेकिन चक्रवाती तूफान रेमल का असर भागलपुर में दिख रहा है और इससे मौसम जो है वो सुहाना हो गया है। ये बता दें कि साफ तौर पर जो चक्रवाती तूफान रेमल है उसका असर भागलपुर में दिख रहा है और मौसम विभाग ने भी अगले दो दिनों तक जिले में हल्की बूंदाबांदी बारिश की संभावना जताई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। बेतिया में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवा के साथ यहाँ झमाझम बारिश हो रही है, नेपाल की तरह। रेमल का असर भागलपुर में भी देखने को मिल रहा है। जिले के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही है, तो वहीं सुबह से ही तेज ठंडी हवा चल रही है। तेज हवा चलने के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं चिलचिलाती धूप से भी लोगों ने राहत की सांस ली है। जिले में भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिससे कि लोगों की परेशानी बढ़ गई थी, लेकिन चक्रवाती तूफान रेमल का असर भागलपुर में दिख रहा है और इससे मौसम जो है वो सुहाना हो गया है। ये बता दें कि साफ तौर पर जो चक्रवाती तूफान रेमल है उसका असर भागलपुर में दिख रहा है और मौसम विभाग ने भी अगले दो दिनों तक जिले में हल्की बूंदाबांदी बारिश की संभावना जताई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। बेतिया में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवा के साथ यहां झमाझम बारिश हो रही है, नेपाल की तरह। इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश होने से किसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। और बेतिया के अलावा पूर्णिया और सीमांचल में भी रेमल चक्रवाती तूफान का आंशिक असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही आसमान में बादल हैं और इसके कारण मौसम सुहाना है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण। यहां में भी रेमल तूफान का असर देखने लगा है और आप देख सकते हैं कि सुबह से हल्की मध्यम दर्जे की हवा चल रही है। और हमारे साथ यहाँ पूर्णिया के मौसम वैज्ञानिक हैं राकेश कुमार जी, आइए इनसे बात करते हैं। राकेश जी, रेमल का क्या असर है पूर्णिया और सीमांचल? हाँ, पूर्णिया और सीमांचल और कोसी में देखे, खास करके उत्तर बिहार और पूर्वी बिहार में देखे, तो रेमल रूप में आंशिक रूप से बादल और अगले 48 घंटे तक जो है बादल के साथ हल्की बूंदाबांदी। और मौसम केंद्र पटना के द्वारा जो फोरकास्ट दिया गया है, अगले 48 घंटे तक जो है सतही हवा की स्पीड जो है 20 से 30 किमी प्रति घंटा और हवा की झोंका गस्टिंग विंड जो है 40 किमी प्रति घंटा कहीं कहीं पर रह सकती है। और उसके साथ में हल्की बारिश बूंदाबांदी देखने को मिलेगा और मौसम जो है सुहाना रहेगा। और अधिकतम तापमान की देखें तो अधिकतम तापमान अभी 2 से 3 डिग्री की कमी देखने को मिलेगा। इस तेज हवा के साथ जो उमस वाली गर्मी थी उससे भी राहत देखने को मिलेगा। ये कब तक रहेगा? अगले 48 घंटे तक जो है इस तरह का मौसम अभी बरकरार रहेगा और बादल भी पूरी तरह से छाया रहेगा। तो रेमल का असर कुछ कुछ सीमांचल में भी दिखने लगा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, मध्यम गति की हवा भी चल रही है और मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि इस बीच में हल्की बूंदाबांदी से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश तक हो सकती है। लेकिन रेमल के कारण सीमांचल का मौसम काफी सुहावना हो गया है, जो अगले 3-4 दिनों तक रहने की संभावना है। इधर पश्चिम बंगाल के तट से टकराने के बाद साइक्लोन रेमल कमजोर पड़ चुका है, लेकिन बंगाल में तूफान के साइड इफेक्ट जरूर देखे जा रहे हैं। अलग अलग इलाकों से डराने वाली तस्वीर भी सामने आई है, एक रिपोर्ट इस पर आपको दिखाते हैं। रेमल के रौद्र की डराने वाली तस्वीरें। बंगाल के कई जिलों में चक्रवाती कहर। कहीं गिरे पेड़, कहीं गिरी दीवार। पश्चिम बंगाल से चक्रवाती तूफान रेमल गुजर चुका है। करीब 6 घंटे तक चली
तूफानी हवाओं ने बंगाल के कई जिलों में लोगों को दहशत में ला दिया। दावा किया जा रहा है कि इस तूफान की वजह से कई जिलों में अच्छी खासी तबाही हुई है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले रिमाल को लेकर मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट बिहार को लेकर जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के आधा दर्जन जिलों में रिमाल का असर देखा जा सकता है। इस दौरान तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का दावा है कि बिहार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यही वजह है कि कई फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है। उधर कोलकाता में चक्रवाती तूफान का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। वहां लगातार बारिश हो रही है। जगह जगह से बड़े बड़े पेड़ उखड़ने की तस्वीरें आ रही हैं। कोलकाता में रेमाल तूफान अपने पीछे छोड़ गया है तबाही की तस्वीरें। देखिए, सदर्न एवेन्यू इलाका है जहां की मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। यहां पर एक पेड़ और एक बिजली का खंभा दोनों एक साथ गिर गए हैं। हवाओं की तेज गति के चलते कल रात भर बारिश हुई है कोलकाता में। जगह जगह पर पानी भी जमा हुआ है और साथ ही ये तस्वीर देखिए, और पूरी सड़क जो है इसकी वजह से जाम हो गई है। कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिरे हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब हुआ है। कोलकाता में ही तूफान की वजह से एक पुरानी इमारत की बाउंड्री वॉल गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। तूफान के कहर का असर जिन जिलों पर सबसे ज्यादा हुआ है वहां राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। इसके अलावा सड़कों पर आवाजाही को दुरुस्त करने के लिए तूफान की वजह से गिरे पेड़ों को भी हटाया जा रहा है। छोर पर समंदर की लहरें मचल रही हैं। हवा का प्रचंड प्रवाह लगातार तेज होता नजर आ रहा है और कोलकाता में जबरदस्त बारिश हो रही है। और इन सब के बीच बंगाल की खाड़ी में रिमाल तूफान का खतरा हर गुजरते पल के साथ बढ़ रहा है। और तूफान का यह खतरा कितना बड़ा है, आपको उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, लहरों से होगा संग्राम, आ रहा है तूफान। 120 वाली रफ्तार होगा प्रचंड प्रहार। समस्त जनसाधारण एवं टकराने वाला है तूफान, मंजर होगा खौफनाक। ये तूफान के आने से पहले की आहट है, तटों से तूफान के टकराने से पहले की हलचल है। तूफान अभी तटों से दूर है लेकिन समंदर की लहरें अभी से मचल रही हैं। तो फिर अंदाजा लगाइए उस मंजर का जब बंगाल की खाड़ी से होता हुआ तूफान साक्षात बंगाल के समुद्री तटों से टकराएगा। रिमाल तूफान धीरे धीरे लैंडफॉल की तरफ बढ़ रहा है। 26 से 27 मई की दरमियानी रात को इसके टकराने की संभावना है। ईस्टर्न नेवल कमांड लगातार तूफान के पाथ को मॉनिटर कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात सीवियर हो सकता है और इसका लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बंगाल के खोपुपारा के बीच होने की संभावना है। रात में बिटवीन बांग्लादेश कोस्ट और जो वेस्ट बंगाल कोस्ट में को क्रॉस करेगा बिटवीन सागर आइलैंड एंड खेपुपाड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल में तूफान का सबसे ज्यादा असर कोलकाता, हावड़ा, नादिया, पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना पर हो सकता है। तूफान को लेकर एहतियात के तौर पर कौन कौन से कदम उठाए गए हैं वो भी समझ लीजिए। ये कोलकाता एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। यहाँ फिलहाल सन्नाटा पसरा है क्योंकि एयरपोर्ट पर फिलहाल उड़ानें टाल दी गई हैं। कोलकाता में तटीय इलाकों से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी तूफान की आहट का असर दिख रहा है। कई ट्रेनों के परिचालन को फिलहाल रोक दिया गया है। बंगाल में तूफान आने के बाद राहत और बचाव के लिए नौसेना के सी किंग, चेतक हेलीकॉप्टरों और
डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को रैपिड तैनाती के लिए स्टैंड बाय पर रखा गया है। स्पेशल डाइविंग टीम को कोलकाता में रखा गया है। दो फ्लड रिलीफ टीम कोलकाता में तैनात की गई हैं। इसके अलावा डाइविंग टीम को विशाखापत्तनम में स्टैंड बाय पर रखा गया है। अभी तक जो है स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे हमने 14 एनडीआरएफ की टीम्स जो है वो साउथ बंगाल में डिप्लॉय की हुई है। कल से आज ज्यादा है, कल से आज ज्यादा है, खराब है। समंदर के इन तटों पर तूफान के आने से पहले कैसे लोग उसका शोर महसूस कर रहे हैं वो यहाँ के लोगों से सुनिए। हम मौसम तो जैसे फोरकास्ट था तो उसी हिसाब से तो मतलब पूरा तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे खराब हो रहा है, लेकिन सारे सतर्क तो ज़्यादातर लोग हो गए हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि लोग ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो आ रहा है वो भी मतलब सेफली एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। हवा की रफ्तार 90 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। 200 मिलीमीटर बारिश का अनुमान है और समंदर में इस दौरान तूफानी लहरों की ऊंचाई 1.5 मीटर तक हो सकती है। तूफान को टाला तो नहीं जा सकता, हाँ इससे बचाव और उसके असर को कम करने के लिए जो इंतजाम किए जा सकते हैं वो सब मुकम्मल कर लिए गए हैं और अब इंतजार है 26 और 27 मई की दरमियानी रात का, जब तूफान के बंगाल के तटों से टकराने की आशंका है। तूफान टकराया है, आपको बता दें कि 135 किलोमीटर की रफ्तार से रेमाल तूफान टकराया है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। तूफानी हवाओं की वजह से कई जगह जो पेड़ है वो भी उखड़े हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई घंटे तक रेमाल तूफान का लैंडफॉल चला है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि एक ओर जहां उत्तर भारत में भीषण गर्मी से लोग जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ रेमाल तूफान देर रात पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा गया। मौसम विभाग के मुताबिक रेमाल तूफान पश्चिम बंगाल के तटों से उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसकी स्पीड कम होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रेमाल तूफान 13 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और तूफान की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने भी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को हालातों पर नजर बनाने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए तूफानी हवाओं की वजह से कई जो पेड़ है वो भी उखड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल के तटों से जो ये रेमाल तूफान है वो टकराया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए कैसे जो पेड़ है वो सड़कों पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहाँ पर बारिश हो रही है, वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो पश्चिम बंगाल के चक्रवात तूफान रेमाल के टकराने की घटना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चक्रवात रेमाल लैंडफॉल को लेकर के संबंधित अधिकारियों से बातचीत की है। जिन इलाकों में चक्रवात का असर हो सकता है वहां एनडीआरएफ की तैनाती की गई है, साथ ही तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा, मोदी सरकार आपदाओं में न्यूनतम जनहानि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो ट्वीट किया गया गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के तटों से जो रेमाल तूफान है वो देखिए टकराया है और उसके बाद से अब कड़े निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई है। और आपको हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उस वक्त की हैं जब रेमाल तूफान का लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के तटों पर शुरू हुआ था, जिसका असर पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में दिखाई दिया। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान करीब 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली है और तूफानी बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई जगह पेड़ जो है वो उखड़ गया है। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोलकाता की ये तस्वीर देखिए, तूफान की दस्तक की तस्वीर है। पूर्वी मेदिनीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, अलीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ पौधे भी गिर गए हैं। डीआरएफ एसडीआरएफ की टीम आपको नजर आ रही है। सड़कों पर वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हुई क्योंकि पेड़ गिरे हुए थे। सिचुएशन तो